अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पाक एकेडमी प्रेजेंट्स अब वीडियो कोर्स ऑन बेसिक नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। लेक्चर नंबर सेवन में हम तीन टॉपिक कवर करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फर्स्ट है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, सेकंड है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन एंड थर्ड वन इज़ बाइनरी आईपी एड्रेस। चलते हैं सबसे पहले बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में। इसमें जो है हम जब भी कन्वर्जन करनी होती है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरह करके कंटिन्यू 2 की पावर में 1 से लेकर जितनी भी कन्वर्जन हमने करनी है, 8 डिजिट करनी है तो यहाँ 8 तक जाएंगे, ये 0 को मिलाकर यहाँ 8, और इसी तरह अगर हमने 9 तक करनी है तो 2 की पावर 8 तक जाएंगे, और अगर 16 करनी है तो 2 की पावर 15 तक जाएंगे। ये सब हम लिख कर और इनके आंसर 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 एंड 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64 एंड 2 की पावर 7 128। अब यहाँ पर क्या है कि हमें जो कन्वर्ट करने को दिया है वो है 1 0 1 0 1 0 1 0। अब हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 0 उठाएंगे और ये 1 के नीचे पुट करेंगे, 1 उठाएंगे 2 के नीचे पुट कर देंगे, ये 0 उठाएंगे ये यहाँ पुट कर देंगे, और ये 1 उठाएंगे ये 8 के नीचे पुट कर देंगे, ये 0 उठाएंगे ये 16 के नीचे पुट कर देंगे, ये 1 उठाएंगे और 32 के नीचे पुट कर देंगे, और ये 0 उठाएंगे 64 के नीचे पुट करेंगे, और ये 1 उठाएंगे 128 के नीचे पुट कर देंगे। क्योंकि ये हमारी 8 बिट की बाइनरी है, बाइनरी एड्रेस है, इसलिए हम यहाँ 8 तक जाएंगे। अब क्या है कि जब हमने इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है तो हम जिन जिन चीज़ों के नीचे 1 है उन सबको ऐड करेंगे। अब 128 के नीचे 1 है इसको यहाँ लिखेंगे, प्लस 64 के नीचे जो है 0 है तो इसको छोड़ देंगे, 32 के नीचे 1 है इसको लिखा, 16 के नीचे 0 है इसको छोड़ दिया, 8 के नीचे 1 है इसको लिख देंगे, 40 इसको छोड़ देंगे, 2 के नीचे 1 है इसको लिख दिया। इन सब को टोटल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट। ये डेसिमल बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का यही एक तरीका है, और भी बहुत से मेथड हैं लेकिन ये एक सबसे आसान तरीका है, और आप किसी भी बाइनरी डिजिट को आराम से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू दिस मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल से जब बाइनरी में कन्वर्जन करनी होगी तो इसमें क्या होगा कि हम सबसे पहले 3482, हमारे पास डेसिमल दिया हुआ है 3482, 3482 हमने 1 2 4 8 32 64 128 यहाँ तक पहले जो है वो कन्वर्ट किया था, लेकिन अब 256 512 1024 2048 and 4096 तक जाएंगे। अब इसमें क्या होगा कि हम सबसे पहले देखेंगे कि 3482 के बराबर या इससे छोटा वर्ड्स कौन सा है। अब 3482 से 4096 बड़ा है और 2048 छोटा है, तो हम क्या करेंगे 3482 में से माइनस करेंगे 2048, सही हमारे पास आंसर आया 1434। तो होगा क्या कि हम 2048 के नीचे 1 लिख देंगे और बाकी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब जो हमारे पास आंसर आया था वो था 1434। अब हम 1434 के लिए देखेंगे कि इसके आसपास हमारे पास कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि इससे माइनस कर दें या इसके बराबर हो बिल्कुल। तो हमने 1024 यहाँ हमें मिला, हमने उसको माइनस कर दिया तो ये 410 हमारे पास बच गया। तो हमने क्या किया कि 1024 के नीचे भी 1 लगा दिया। अब हमारे पास बचा है 410। सो 410 के लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे 512 जो है 410 से बड़ा है, फिर उसके नीचे देखेंगे 256 है, 256 को माइनस करेंगे हम 410 से तो हमारे पास 154 बचा। तो हम क्या करेंगे 2048 के नीचे 1 लगाया, 1024 के नीचे 1 लगाया, 512 के नीचे 0 लगाएंगे इसको छोड़ देंगे, और 256 के नीचे 1 लगाएंगे। अब हमारे पास 154 बचा, 154 माइनस 128 ये रहा, 128 माइनस करेंगे तो 26 बचा। अब जिन जिन 128 के नीचे 1 लगाएंगे, 256 और 512 को छोड़ दिया जो कि जिस वो वैल्यू थी ही नहीं बीच में। अब क्या हुआ कि इसके बाद हम देखेंगे 26 के बाद हमारे पास कौन सा वर्ड है।
26 को से बड़ा, 64 भी बड़ा है, 32 भी बड़ा है, 16 जो है 26 से छोटा है। तो हम 26 में से 16 माइनस करेंगे और हमारे पास 10 आंसर रह जाएगा। और फिर हम जो है 16 के नीचे भी 1 लगा देंगे और 64 और 32 को छोड़ देंगे। अब हमारे पास आंसर जो है 10 है। 10 में से अब नेक्स्ट टाइम जो है हम क्या करेंगे कि इससे छोटा वर्ड देखेंगे कि कौन सा है, तो वो हमारे पास है 8। तो 8 को हम यहाँ से माइनस करेंगे और हमारे पास आंसर 2 रह जाएगा। और इसके बाद हमने सब के नीचे 1 1 लगा दिए, 8 के नीचे भी 1 लगा देंगे और लास्ट में हमारे पास जो है 2 माइनस 2 हो जाएगा। तो हम 2048 के नीचे 1 लगाया, 1024 के नीचे, 256 के नीचे, 128, इन दोनों को छोड़ दिया 64 एंड 32 को, 16 और 8 के नीचे लगाया, फिर 4 को छोड़ दिया, 2 के नीचे 1 लगाया और 1 को छोड़ दिया। अब डेसिमल हमारे पास था 3482 और इसका बाइनरी जो है 1100110 1110, इसको हम यहाँ भी देखते हैं 1101100110010। तो ये हमारे पास इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया। इसी तरह आप किसी भी वर्ड की बाइनरी इक्विवेलेंट कर सकते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए तो आप इसमें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। अब बाइनरी आईपी एड्रेसेस में क्या होता है कि हमारे पास जो है आईपी एड्रेस, IPv4 जो एड्रेस है वो डेसिमल में मौजूद है। हम क्या करते हैं कि सिंपल 192.168.10.101 में को हम जो है बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अब जब हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया तो 192 का बाइनरी इक्विवेलेंट जो है 1100000 है और इसके बाद 168 का है 1010100 एंड 10 का है 0000100 एंड 101 का है 0110101। इन सब के बाइनरी इक्विवेलेंट आप खुद निकालिएगा। तो इसके बाद हमने बाइनरी इक्विवेलेंट को नोटेशंस में शो किया। 192 का जो बाइनरी कोड है वो ये रहा, इसके बाद 168 का जो बाइनरी कोड है वो ये रहा, 10 का कोड ये रहा एंड 101 का कोड ये रहा। तो ये हमने आईपी एड्रेस को बाइनरी में शो कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है बाइनरी एड्रेस एंड सबनेट मास्क। अब क्या है कि बाइनरी आईपी एड्रेस जो है वो तो हमने आपको अभी शो करवा दिया, सबनेट मास्क क्या है? सबनेट मास्क में क्या होता है कि ये हमारे पास जो एड्रेस है वो क्लास सी का एड्रेस है, क्योंकि 191 तक जो है क्लास बी का एड्रेस है और 192 के आगे जितने भी एड्रेसेस हैं वो क्लास सी के एड्रेस हैं। और क्लास सी के एड्रेस में जो हमारे पास हैं वो 32 एक ऑक्टेट, 2 ऑक्टेट, 3 ऑक्टेट, ये 3 ऑक्टेट यानी कि यहाँ 10 तक जो है हमारे पास, ये 10 तक हमारे पास क्या होता है, ये 10 तक हमारे पास नेटवर्क एड्रेस होता है और ये 101 जो है ये 0 से 255 तक होस्ट एड्रेस होता है। अब जब भी हमने सबनेट मास्क निकालना होगा तो हम नेटवर्क की सारी बिट्स को हाई कर देंगे तो हमारे पास सबनेट मास्क निकल आएगा। यहाँ देखें आप नेटवर्क की सारी बिट्स को हाई किया हुआ है और अगर आप इनका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये 255255255। तो यहाँ बस आप ये जान लीजिए कि जब भी बाइनरी आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क निकालना हो या किसी भी आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क निकालना हो तो उसकी नेटवर्क की बिट्स को हाई कर देंगे, नेटवर्क की बिट्स को हाई कर देंगे। और अगर किसी भी एड्रेस का ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना हो, जैसा कि हम पहले भी आपको ब्रॉडकास्ट एड्रेस के बारे में बता चुके हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस आईपी एड्रेस की जो होस्ट बिट हैं इसमें ये क्लास सी के एड्रेस में ये लास्ट 8 जो बिट हैं ये होस्ट बिट हैं, तो हम इनको फुल हाई कर देंगे तो ये हमारे पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। यानी कि अगर हम इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस देखें तो वो हमारे पास आएगा 192.168.10.255, ये हमारे पास इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, ये सबनेट मास्क है। तो ये हमारी थी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। एंड आईपी एड्रेस को भी हमने बाइनरी में आपको लिख कर और सबनेट मास्क को भी लिख कर शो करवा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।